नमस्कार, मैं हूं अनुपम अनूप। आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। विदिशा जिले के पठारी में मानव अधिकार संरक्षण परिषद के द्वारा जन समस्या निवारण शिविर का आयोजन किया गया। इस अवसर पर शिकायतकर्ताओं की शिकायत सुनने के साथ ही साथ परिषद के प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बोहत के द्वारा अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए कि शिकायतकर्ताओं की शिकायतों का निवारण जल्द से जल्द किया जाए। विदिशा के पठारी क्षेत्र में मानव अधिकार संरक्षण परिषद के द्वारा पठारी एवं बड़ोह में जन समस्या निवारण शिविर आयोजित किया गया, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बोहत ने सभी की शिकायत स्वयं के रजिस्टर में लिख शीघ्र निराकरण कराने का आश्वासन दिया। उन्होंने सभी कर्मचारियों अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए कि कोई गरीब मजदूर किसान परेशान ना हो। उन्होंने कहा, चोर को चोर, भ्रष्टाचारी को भ्रष्टाचारी नहीं कहूं तो इसमें क्या गलत है। प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय कमलनाथ जी की मंशानुसार हर जन कल्याणकारी योजनाएं आम जन तक पहुंच सके, इसके प्रयास हम सभी को करना है। कार्यक्रम के बाद अस्थायी गौशाला पहुंचकर वहां की व्यवस्थाएं देखी। वह व्यवस्थाएं देखकर सभी सदस्यों को धन्यवाद दिया एवं उन्होंने हर संभव गौशाला के लिए मदद करने के लिए आश्वासन दिया एवं उन्होंने गौ माता को कंबल ओढ़ाकर गौशाला के लिए हर तरह से सहयोग देने का आश्वासन दिया। पठारी में गौशाला खोलने के लिए शीघ्र ही प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय कमलनाथ जी से मिलकर शीघ्र ही पठारी में गौशाला खुलवाने का काम शुरू करवाया जाएगा। जन समस्या निवारण शिविर में अधिकांश कर्मचारी उपस्थित रहे। विदिशा से हमारे रिपोर्टर आशीष सहेले की ये रिपोर्ट, देखते रहिए द खबरदार न्यूज। सख्ती से काम नहीं करते हैं, योजनाओं में हिला हवाली करते हैं, ढील डाल करते हैं, तो उनके खिलाफ सख्ती से कार्रवाई हो। इसके लिए मैं आपके बीच में आया हूं। पठारी में एक साल के बाद हमारी सरकार बने हुए, मेरा चुनाव विधानसभा का हुए, एक साल हो गई है। एक साल के बाद मैं आपके बीच में शिविर के माध्यम से उपस्थित हुआ हूं। आज 1% लोग भी पठारी के धरती के लोग यहाँ नहीं है। या तो आदरणीय देवेंद्र सिंह जी ठाकुर साहब ने सारी समस्याएं यहाँ की हल कर दी है या फिर लोगों को जानकारी नहीं है। मेरा आप सबसे विनम्रता पूर्वक आग्रह है कि लोगों को बताएं कि लोग जागरूक हो जाए। सरकार की नई नई योजनाएं आपके लिए आ रही है। पंचायत से बहुत दुखी है लोग। राशन कार्ड किसी का नहीं है, किसी की पेंशन नहीं बंधी, किसी के और काम है। और मैं कहता हूँ मेरे भाइयों, आदरणीय अपनी समस्याएं नोट कराने हमारे सामने हमारे साथियों के बीच में आते हैं तो मुझे मेरा ख्याल आता है कि मैं भी कभी इसी तरीके से अपनी माँ के साथ किसी पंचायत में किसी शिविर में समस्याओं को नोट कराने जाता है तो दर्द होता है, पीड़ा होती है और लगता भी बनाया था हटाने के लिए, लेकिन समस्या का हल नहीं हो पाया है सर। अभी तहसीलदार आए भी नहीं है यहाँ शिविर में। आप उनको बोल दे तो काफी लोग हैं सर यहाँ पर, मैं इंतजार कर रहा हूँ तहसीलदार आ जाए तो समस्या कब तक हो जाएगा ये करा दें। और सुप्रीम कोर्ट के निर्देश भी हैं सर इसमें। हम लोग जम्मू स्टेट हवाई मध्य प्रदेश शासन की ओर से विगत 2 वर्षों से अशिक्षित बेरोजगार युवाओं के लिए ट्रेनिंग देते आ रहे हैं। 45 दिवसीय कार्यक्रम होता है। हम लोगों की पेमेंट टाइम पर नहीं होती है। मुख्यमंत्री द्वारा पहले आश्वासन दिया गया था रेगुलर किया जाएगा, मानदेय परमानेंट होगा, लेकिन हम लोगों को 6-6 महीने भटकना पड़ता है। इसमें हम लोगों को दिक्कत आ रही है। क्योंकि मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन है कि हम लोगों को नियमित करेंगे। मानव अधिकार संरक्षण परिषद सामाजिक संस्था है, इसकी ओर से हमने पंचायत भवन पठारी और बड़ोह में जन समस्या निवारण शिविर का आयोजन किया है। माननीय कमलनाथ जी हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी की योजनाएं आम जनता तक पहुंचे, ये माननीय कमलनाथ जी का निर्देश अधिकारियों को और हम जनप्रतिनिधियों को है। माननीय कमलनाथ जी चाहते हैं कि जो वो योजना बैठ के बना रहे हैं वो योजना आम आदमी तक पहुंच जाए, आम आदमी को उस योजना का लाभ मिले, गरीब को न्याय मिले, किसान को न्याय मिले, मजदूर और बहन और बेटियों माताओं को लाभ मिले। इस संदर्भ में योजनाओं की जानकारी लेने और जनता की दर्द को पीड़ा को समझने के लिए हमने ये जन समस्या निवारण शिविर यहाँ आयोजित किया है। अभी हमारी बहुत सारे साथियों ने, माता बहनों ने, भाइयों ने समस्याएं हमें नोट कराई हैं। इस शिविर का मात्र पहला और आखिरी और सशक्त उद्देश्य यह है कि हम किसी से दरखास्त के भी पैसे नहीं ले रहे,
₹150 लगाकर कोई आए और दरखास्त ले, हम खुद उसकी दरखास्त लिखेंगे। केवल हम समस्याएं नोट कर रहे हैं, समस्याएं नोट करने के बाद उसके समस्या का निराकरण करने का प्रयास करेंगे। द खबरदार हिंदी न्यूज़ चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए द खबरदार हिंदी न्यूज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।